दोस्तों आज हमारे पास एक वन प्लस नाइन प्रो का मोबाइल आया है जो कि ये डेड कंडीशन पे हमारे पास आया है। जो टेक्नीशियन भाई ने हमारे पास इसको सेंड किए हैं, उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा काम किए थे, उनके पास आया था, लोगों पे रिस्टार्ट हो रहा था। तो वो क्या किए, इसके अंदर तो सैंडविच बोर्ड है, डुअल लेयर बोर्ड है, तो डुअल लेयर को उन्होंने उठा लिया। जब डुअल लेयर इस पर ओपन हो गया, उसके बाद फिर रिबल वगैरह करके इसको बैठा है, तो ये डेड कंडीशन पे चला गया है। तो आज हम इस वीडियो पे एक सैंडविच बोर्ड को रिबल करेंगे। वन प्लस नाइन प्रो मॉडल है और इसके अंदर जो डुअल लेयर का बोर्ड होता है उसको आज हम रिबल करेंगे। रिबल करने के बाद अगर सक्सेस नहीं मिला तो हम सीपीयू की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी दर सीपीयू से ही मसला हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो पे आपको सैंडविच बोर्ड का रिबल, जो कि मेरा चैनल पे ये फर्स्ट टाइम है, मैं पहले एक सैमसंग किया था जो कि अपलोड नहीं कर पा रहा था, मतलब कुछ इशू के वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया। मेरा पास उस टाइम से ये जो कैमरा पे शूटिंग हो रहा है उस तरह से कैमरा नहीं था। ये एक अलग ये भी एक कैमरा लगता है जो कि माइक्रोस्कोप के जैसा, लेकिन इसके अंदर लेंस लगता है जो कि फुल बोर्ड को व्यू करने के लिए, नहीं तो ये जितना बड़ा बोर्ड है माइक्रोस्कोप पे ये नहीं दिखाई देगा। चलो इसको ओपन करते हैं। ओपन करने का तरीका क्या है, क्विक 861 DW हम यूज़ कर रहे हैं और उसका आगे वाला नोज़ल को हमने निकाल दिया है। विदाउट नोज़ल से हम इसको ओपन कर रहे हैं। ये तो पहले से ही ओपन था तो हमको ज़्यादा इस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या सीन है जिसके वजह से ये डेड पे चला गया है, शायद सही तरह से रिबल नहीं हुआ है, या फिर इसके अंदर कुछ बॉल वगैरह आपस में जुड़ गए होंगे, या फिर कोई ट्रैक वगैरह मिसिंग हुआ है। ये देखिए हमारा मेन माइक्रोस्कोप पे आ गए। जब मेन माइक्रोस्कोप पे ये जूमिंग अच्छा होगा और क्लैरिटी भी अच्छा होगा, लेकिन दूसरे वाला माइक्रोस्कोप पे थोड़ा सा हल्का सा इस पर फर्क आएगा, क्योंकि ये बड़ा बोर्ड है, इसको माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाया जा सकता। मैं काफ़ी दिन से वीडियो बनाने के लिए सोच रहा था सैंडविच बोर्ड, डुअल बोर्ड, आगे आगे इस तरह से अपडेट होता ही जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से मतलब आजकल के टाइम चलता है, सारी के सारी चीज़ अपडेट होने, हम भी अपडेट होने पड़ता है। तो यहाँ से इसको रिवल करेंगे। रिवल करने के बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली सीन क्या है। मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर एक ट्रैक मिसिंग हो जाने की वजह से इस तरह से हुआ है। शायद मैं ओपन करने के टाइम पर इसको देख लिया था। अभी माइक्रोस्कोप पर मैं आपको बताऊँगा इस पर मतलब कहाँ से ये प्रॉब्लम था जो कि ये फ़ोन डेड कंडीशन पे चला गया था। आपने देखा था कि दो बॉल या तीन बॉल इस पर आपस पे जुड़ गए थे। चलो जो भी इशू है हम रिबल करेंगे। रिबल करने के बाद सक्सेस मिलता है तो बड़ा बड़ा बात करने से सही है, नहीं तो यहाँ से बड़ा बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। रिबल करने के बाद सक्सेस होता है तो एक मन को संतुष्टि मिलता है। चलो हम यहाँ से इसको कम्प्लीटली जितने हो सके हमसे इसको साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद हम इसको रिवल करेंगे। आजकल की जो नया नया फ़ोन इस पर आ रहा है इसका भी हम इसके ऊपर सर्वे कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा ये सब वीडियो आने के लिए, क्योंकि ये तो महंगा सेट है, थोड़ा टाइम लगेगा हमको इसके ऊपर मतलब आने के लिए। तो हमारे पास जब कुरियर होगा तो हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। चलिए हम इसको साफ करते हैं। और हमारी जो ऊपर का लेयर है, ये तो नीचे का लेयर है, इसके नीचे और भी एक लेयर होता है जो कि वो और एक वीडियो पे मैं बताऊंगा। धीरे धीरे मैं जिस तरह से अभी बोला, मेरा पास जितना ये मोबाइल कुरियर होता रहेगा मैं उतना ही आपको अपडेट देता रहूँगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर सैंडविच बोर्ड को रिवल करना। चलो ये तो साफ हो गया, अब हम नेक्स्ट तो ऊपर का लेयर है उसके पास जाते हैं। ऊपर का लेयर के पास देखते हैं कि क्या इशू है। मैंने बोला था एक ट्रैक सही तरह से नहीं लगा था, जब हमने ओपन किया था उसी टाइम से मेरे को लगा था कि ये ट्रैक सही तरह से नहीं लगा है, जिसके वजह से ये डेड कंडीशन पे भी जा सकता है। अभी इसके ऊपर तो इतना मतलब मार्केट पे स्कीमेटिक वगैरह ये सब कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसके ऊपर। तो पहले इसको कम्प्लीटली साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद रिबल करेंगे। आज का वीडियो पे आप जो डुअल लेयर का बोर्ड होता है उसका रिबलिंग के प्रोसेस को देखेंगे। मैं वीडियो बनाया हूँ दोस्तों इसीलिए क्योंकि पूरा यूट्यूब पे आप सर्वे कर सकते हैं, पूरी यूट्यूब पे आप सर्वे कर सकते हैं।
आपको इस तरह से वीडियो नहीं मिलेगा। आजकल के टाइम पे मैं जो वीडियो आज बनाया हूँ, ये वीडियो पूरी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, जो कि ये तरीका सब हाइडन रखते हैं। क्या कि जो भी काम करते हैं वो सब हाइडन रखते हैं, और इसी तरह से क्लैरिटी के साथ आपको कोई भी नहीं सेंड करेगा। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ लोगों को तो इस वीडियो के जरिए ज़रूर हेल्प होगा, क्योंकि सैंडविच बोर्ड को रिवॉल्व करना, मतलब जितने भी वन प्लस एम आई वगैरह आते हैं, सैमसंग का भी नहीं है, आईफोन वगैरह का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आईफोन वगैरह का प्री हीटर मिल जाता है, लेकिन इसका प्री हीटर ना मिलता है ना कुछ सामान मिलता है, तो किस तरह से रिवॉल्व किया जाता है थोड़ा इस वीडियो पे देख लीजिए। मेरे हिसाब से आज का जो वीडियो है काफ़ी सारी लोगों की मदद होगा, क्योंकि यूट्यूब पे तो ये नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से वन प्लस नाइन प्रो का रिवॉल्व का वीडियो इस तरह से पूरी यूट्यूब पे नहीं है। मैंने पहले यूट्यूब देख के सर्वे कर रहा था कि कहीं कुछ मेरे को वीडियो मिल जाए, ताकि मेरे को बनाने के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले से मैं एक वन प्लस नाइन प्रो बनाया था जो कि बहुत मुश्किल था, और उस टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करवा रहा था। मेरे पास ये कैमरा भी नहीं था, आज के टाइम पे जो कैमरा मेरे पास है उस टाइम से नहीं था, जो कि पूरा बोर्ड को व्यू करने के लिए। चलिए इसको कम्प्लीटली रिवॉल्व वगैरह करते हैं, फिर पेस्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या सीन है। आज का वीडियो बनाने का मकसद है आप डुअल लेयर का रिवॉल्विंग के प्रोसेस को देखना, क्योंकि रिवॉल्विंग में काफ़ी सारी बंदे फंस जाते हैं। उठाना पकाना तो हर कोई बंदे को आ जाए, मतलब आ सकता है, लेकिन रिवॉल्विंग एक ऐसा चीज़ है जो कि सबके पास ये संभव नहीं है। थोड़ा सा ये वीडियो देखने के बाद, मतलब थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि आपको कुछ नॉलेज मिल जाएगा कि इस तरह से रिवॉल्व भी होता है। तो चलिए दोस्तों रिवॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आते हैं ये ऑन होता है कि नहीं।
तो यहाँ से दोस्तों हमारा रिवॉल्व सक्सेसफुल हो गया है। अब हम इसको एक बार चेक करेंगे, एक्चुअली जो फ़ोन हमारा डेड कंडीशन पे था वो सक्सेसफुल रिकवर हो गया या फिर इस पर अदरवाइज कुछ इशू है या फिर वही रिस्टार्ट लोगों पे चला गया। चलो इस पर हमारा फ़ोन ऑन हो गया, मैं डायरेक्टली माइक्रोस्कोप के साथ इसको ऑन करा इसीलिए क्योंकि आपको संतुष्टि मिले कि ये फ़ोन पे इस तरह से काम हुआ है और यहाँ से डायरेक्टली ये फ़ोन ऑन हुआ है। ये फ़ोन यहाँ से मेरे को लग रहा है कि ऑन हो जाएगा, यहाँ से कुछ इशू नहीं होगा क्योंकि ये सेकंड लोगों पे अभी रनिंग कर रहा है। जिस तरह से हमारा पोको रियलमी में सेकंड लोगो आता है उस तरह से भी वन प्लस का ये सेकंड लोगो ही, ये फास्ट लोगो जो वन प्लस पे लिखा हुआ आता है, ये मोबाइल कम्प्लीटली ऑन हो गया है दोस्तों। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे एक अच्छे वाले टॉपिक के साथ।